जन जन की आवाज जीएन भरत पहुंच चुका है रिम्स हॉस्पिटल और बताते चले कि आप देख सकते हैं कि बन्ना गुप्ता ने जेनोम डिपार्टमेंट जो है उसका उद्घाटन किया हुआ है आज, और इस उद्घाटन के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया और उन्होंने कहा कि जेनोम सिक्वेंसिंग की जो मशीन है, आपको बता दें जेनोम सिक्वेंसिंग वो मशीन है जिसके तहत जो जेनोम होता है, सेल होता है, उसको फौरन पहचान लिया जाता है बहुत जल्दी, आई थिंक 48 से 72 घंटे के अंदर आपको पता चल जाता है कि क्या बीमारी है आपको, किस तरह का वायरस आपके बॉडी में गया है, बहुत बहुत माइक्रोस्कोपिक छोटा से छोटा जो होता है इंस्पेक्शन, उसको विद इन 48 to 72 आवर में वो जेनोम सिक्वेंस मशीन जो है वो कैच कर लेता है, बहुत बड़ी खासियत। आपको बता दें जो नज़दीकी राज्य है जैसे छत्तीसगढ़, बंगाल, इन सब में करीबन 6-8 महीने पहले ही जेनोम सिक्वेंस मशीन आ चुकी है, लेकिन झारखंड में बहुत लेट से ये मशीन आया है, लेकिन फाइनली वो आ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोरोना लहर, अब जब 2-3 लहर जो है वो जा चुकी है, जब कोरोना सबसे पीक पे था, लोगों का डेथ रेट इतना हाई था, तब जा चुकी है, लेकिन अब जाके जेनोम सिक्वेंस मशीन अब जो आया है, जब कोरोना उतना हावी नहीं है, जब लोगों को लगभग सारे लोगों को डबल डोज लग चुका है, इस पर बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से हमने विस्तार पूर्वक बातें की, क्या कुछ कहा आप ही सुनिए। देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने कोविड के दंश को झेला है, पूरी दुनिया ने भी झेला है, हमने भी झेला है, और हमारे राज्य में एक भी RT-PCR नहीं था। कोबास मशीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, जीनोम सिक्वेंसिंग की बात छोड़ दीजिए, तो आज मैं समझता हूँ केवल जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन का ही उद्घाटन नहीं हुआ है, बल्कि एक पूरे डिपार्टमेंट का भी हम लोगों ने फॉर्मेशन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक एंड जीनोम्स, और उस डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन करके जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन का भी आज हमने विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया है। और आप जानते हैं कि जब COVID-19 आया था तो हमारा कोविड में बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाता था जांच का। मैं अभी बात ये नहीं कर रहा हूँ कि जीनोम सिक्वेंसिंग का, मैं बात कर रहा हूँ RT-PCR का, और जीनोम सिक्वेंसिंग का तो काफ़ी लंबा हम लोगों को समय लगता था, काफ़ी लंबे समय के दौर से हम गुजरे, और उस क्रम में हम लोगों ने सही जानकारी नहीं होने के कारण सही इलाज भी, जो यदि जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन होती तो और ज़्यादा बेहतर हम इलाज कर पाते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ काम किया, और अपने राज्य के हम सारे चिकित्सकों को और स्वास्थ्य से जुड़ी सभी कर्मियों को बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। आज हमने जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन का विधिवत उद्घाटन किया है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी को गढ़वा जाना था और हमारे ACS अरुण सिंह जी को भी जाना था, काश यदि वहाँ गढ़वा का हम प्रयास करते यहाँ भी लाने का, लेकिन अगली बार हम लोग कुछ और नई व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं, उसमें हमारा प्रयास होगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से उसका उद्घाटन कराएं। लेकिन जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन के आने से हम लोगों को कई तरह के फ़ायदे मिलेंगे, ना सिर्फ कोविड बल्कि थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, एनीमिया है, अनुवांशिक कैंसर हैं, न्यूरोलॉजी के बहुत सारे ऐसे विकार होते हैं जो विकलांगता की ओर ले जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को, या DNA वगैरह जो है उसका, जो DNA से हम लोगों को बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं, कुछ तो कानून की भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पता चलता है, और स्वास्थ्य की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता चलता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके आने से राज्य में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा और हम बेहतर से बेहतर इलाज करने में जो है काम करेंगे। इसमें एक बार में 384 स्लॉट लगा सकते हैं और जिससे हम पता कर सकते हैं, और यदि कोई ऐसा, अभी आप जानते हैं कि कई तरह का वेरिएंट आया, कभी डेल्टा के रूप में, कभी ओमिक्रॉन के रूप में,
तो अलग अलग वेरिएंट के क्या नेचर हैं उसको जानकर उस हिसाब से हम इलाज करेंगे, तो ज़्यादा इलाज जो है और ज़्यादा अत्यधिक प्रभावशाली होगा। इसी के लिए आज हम लोग इसके उद्घाटन में आए थे और ये विधिवत काम करना चालू कर दिया। बन्ना जी, बाकी राज्यों के मुकाबले आपको लगता है ये मशीन थोड़ा लेट सा है झारखंड में? नहीं, देखिए, अब आप तो जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार से हम लोगों को एक ऐसी व्यवस्था मिली कि वो व्यवस्था, और दूसरी है कि जो किसी ने नहीं जाना था दुनिया में, मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन दुनिया ने बड़े से बड़ा देश अमेरिका और चीन और ब्रिटेन तक ये नहीं जानता था कि कोविड-19 जो है कितना ज़्यादा हृदय विदारक बनेगा, और जो प्रगतिशाली देश हैं वो तो नतमस्तक हो गए, और झारखंड हमारा ट्राइबल स्टेट, दलित स्टेट, पिछड़ा स्टेट, और उसके बाद भी हमारी जो है सोच और हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता और ना हारने और ना थकने वाली मानसिकता ने, आप हमारे रहते हुए कोई भी हमारा स्वास्थ्यकर्मी अपने वाजिब हक से वंचित नहीं होगा। कभी कभी कुछ कुछ तकनीकी समस्याएं आती हैं, जैसे अभी कुछ हमारे फ्रंटलाइन वर्करों ने काम किया था, उनको 3-4 महीना का पेमेंट नहीं हुआ, हमने उसको तुरंत जो है 150 करोड़ रुपया रिलीज किया है, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही सारे लोगों को पैसा मिल जाएगा, और हम हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, और जो हमारे योद्धाओं ने हमारे उस विकट परिस्थिति में मदद किया है उनके साथ किसी भी प्रकार का विश्वासघात नहीं होने दिया जाएगा। देर ही सही, अब अपने पास मशीन भी है, ऐसे में एक बार फिर से कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, टेस्टिंग जो है हम लोग रेड से भी टेस्टिंग कर रहे हैं, RT-PCR से भी कर रहे हैं, ट्रूनेट से भी कर रहे हैं, और कोबास 68 से भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसी अभी कोई परिस्थितियां ऐसी विकराल नहीं आई हैं कि जिन परिस्थितियों को लेकर हम जो है अनावश्यक रूप से बहुत परेशान हों, लेकिन हाँ, चूँकि पूर्व के अनुभव काफ़ी हृदय विदारक रहे हैं, तो दूध का जला हुआ आदमी मठा को भी फूक के पीता है, तो निश्चित तौर पर हम इसकी गंभीरता को जानते हैं और सही समय में सही काम होगा। सर, थोड़ा सा काटना चाहूँगा आपको एक जगह पर, आपने कहा कि विकराल स्थिति अभी नहीं आई है, रांची की पॉजिटिविटी की अगर बात करें तो 7-10% तक पॉजिटिविटी हो गई है, सैंपल टेस्टिंग मात्र 250-300 है, जिसमें 22-25 हर दिन पॉजिटिव मिल रहा है रांची जिला में, दस्तक है सर। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमने ये नहीं कहा कि हल्के में ले रहे हैं, हमने कहा कि अभी जो परिस्थितियां हैं उस पर गंभीरतापूर्वक नज़र है, और जो भी अभी तक जो भी पेशेंट आए हैं या तो वो एसिम्टोमेटिक हैं, माइल्ड हैं, कोई ऐसा ग्रीवियस कारण नहीं है कि जिस कारण से हम बहुत भयभीत हैं, लेकिन भयभीत नहीं होने के बावजूद भी हम सजग हैं और हम तैयार हैं। मंत्री जी, एक सवाल है कि आपने 150 करोड़ रुपए जो कॉन्ट्रैक्ट में कर्मी काम कर रहे थे उनके लिए रिलीज किया, जो डिजास्टर डिपार्टमेंट से आना था, जैसा आपने पहले बताया था, मैं ये जानना चाहूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने 2 हफ्ते हो गए एक प्रोटोकॉल निकाला है जिसमें कि सबको मास्क पहनना मैंडेटरी, ठीक है, और उसकी कॉपी और ACS हेल्थ के द्वारा इस चिट्ठी को बार बार सारे जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स को भेजा। ब्रिटेन तक ये नहीं जानता था कि कोविड-19 जो है कितना ज़्यादा हृदय विदारक बनेगा, और जो प्रगतिशाली देश हैं वो तो नतमस्तक हो गए, और झारखंड हमारा ट्राइबल स्टेट, दलित स्टेट, पिछड़ा स्टेट, और उसके बाद भी हमारी जो है सोच और हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता और ना हारने और ना थकने वाली मानसिकता ने हमको इस बीमारी के विरुद्ध खड़ा किया, और हम लोगों ने देश के अन्य राज्यों में जिस तरीके से मृत्यु दर हुई है या जो लोग मौत के गाल में समाए हैं उनकी जो अंत्योष्टि वगैरह की सूचनाएं आती थी, वैसी सूचनाएं इस राज्य में नहीं आई हैं,
तो मैं ये समझता हूँ कि देर जरूर हुआ है लेकिन दुरुस्त हुआ है, और हम राज्य के लोगों की स्वास्थ्य की सेवा को लेकर हम वचनबद्ध हैं और इसमें कहीं भी कोताही नहीं होगी। तो आपने साफ तौर पर सुना कि बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि ये मशीन जो है एक वरदान से कम नहीं होगा, साथ ही इस मशीन के तहत जो नए वेरिएंट अगर आने की कोई संभावना होंगे उन्हें तुरंत कैच कर लिया जाएगा, और जो चीज़ जितना जल्दी पकड़ में आ जाए उतना जल्दी ठीक करने की संभावना बढ़ जाती है। मृत्यु दर तो खैर अभी है नहीं क्योंकि डबल डोज लग चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मशीन है एक वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी एन भारत के सवाल पर कि इसे इतना लेट क्यों आए, उन्होंने कहा कि करोड़ों का मशीन है, टाइम लगता है, खैर हम लोगों ने तैयारी अपनी बंदोबस्त रखी है, आ गया ये बड़ी बात है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा अस्त्र अपने सहयोगी बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।